Hello everyone, welcome back to our channel. I'm your English teacher Rekha Khola. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. Honeycomb book का ये second chapter है. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए, मद्रास में जो है, यानी कि चेन्नई में पलने बढ़ने वाली जो युवा लड़की है, जो अपने दादा दादी तापी और थाथा के साथ रहती है, एक दिन तापी क्या करती है कि उसे उसकी मामी रुक्मिणी के घर उसके ममेरे भाई बहनों से मिलाने ले जाती है, जिनके नाम हैं लल्ली, रवि और मीना. इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे. अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, वहाँ पर क्या सीन होता है वो आगे देखते हैं. अ स्माइलिंग रुक्मिणी थ्रू ओपन द डोर. मुस्कुराती हुई रुक्मिणी ने दरवाज़ा खोला. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. रवि और मीना झट से बाहर आए और रवि ने मृदु को घर में खींच लिया. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर. रुको, मुझे चप्पल उतारने दो, प्रोटेस्टेड मृदु. सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. मृदु ने विरोध करते हुए कहा कि उसने उन्हें जो है, यानी कि जो चप्पल उतारी थी वो काली बड़ी चप्पलों के पास उतार दिया. एक्चुअली विद डस्ट, वास्तव में वो धूल भरी हुई थी. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. धूल के कारण जो है, प्रत्येक चप्पल के आगे वाले हिस्से पर पैर की जो उंगलियां हैं उसके निशान साफ देख सकते थे. ठीक है. द मार्क्स फॉर द टू बिग टॉज वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी. दो बड़ी उंगलियों के निशान लंबे और फैले हुए थे. मृदु डिडेंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हू स्लीपर्स दे वर बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. मृदु के पास ये देखने का समय नहीं था कि वे चप्पलें किसकी थी, क्योंकि रवि उसे पीछे बैकयार्ड में आंगन में खींच कर ले गया. बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश, जहाँ कटीली मोटी बेर की झाड़ी थी. देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लाइन विद सैकिंग एंड फील्ड विद सैंड ले अ वेरी स्मॉल किटन लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ सेल्फ. वहाँ अंदर जो है फुटबॉल की लाइनों जैसा बोरा था जो रेत से भरा हुआ था, और उसके अंदर ही जो है बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और नारियल के आधे गोले से दूध चाट रहा था. यानी कि नारियल का खोल होता है, उसमें दूध डाला हुआ था तो उसको चाट रहा था. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. ही वॉज मीविंग पुअर थिंग्स सैड मीना. देखिए मीना क्या कहती है कि मीना कहती है कि हमें सुबह ये गेट के बाहर मिला था जो म्याऊं म्याऊं कर रहा था. इट्स सीक्रेट, इसे गुप्त रखना. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू अमाज हाउस इफ सी नोज वी हैव अ कैट. यदि अम्मा को पता लग गया कि हमारे पास एक बिल्ली है तो वह और पाती क्या करेंगे, दोनों पाडू मामा के घर चले जाएंगे. पीपल्स आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स बट वेन वी आर दिस क्रीम. लोग हमेशा क्या कहते हैं कि पशुओं के प्रति दया दिखाइए, ठीक है, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो दिस क्रीम, वो चिल्ला उठते हैं. ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर्स हियर. ओह इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ, सेड रवि. रवि ने कहा, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है कि रसोई में थोड़ा सा दूध लाना कितना मुश्किल है. पाती सामी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. पाती ने मुझे अभी अभी दूध का गिलास लाते देखा है. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. मैंने उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिन कठोर नज़रों से उसने मुझे देखा वो मतलब घूर रही थी मुझे, ठीक है. आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट. फिर मैंने क्या किया कि ज़्यादातर दूध मैंने वहीं पर पी लिया ताकि उन्हें किसी बात का पता ना लगे. देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैग. पाती पाती, आई विल वॉश इट माई सेल्फ. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द इन दिस कोकोनट सेल एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर्स एंड पुट इट बैक बिफोर शी गोट रियली सस्पिशियस. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर्स वे टू फीड महेंद्रन.
फिर उसने क्या किया कि जो खाली गिलास है वापस उसको चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि पाती पाती मैं इसे खुद ही साफ कर दूंगा, मैं तुम्हें क्यों परेशान करूं, ठीक है, आप क्यों तकलीफ उठाती हो। फिर मुझे वहां से भागना पड़ा और इस बचे हुए दूध को नारियल के खोल में डाला और फिर जल्दी से वापस भागकर उस गिलास को धो डाला और रख दिया कहीं उन्हें शक ना हो। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को किसी दूसरे तरीके से पालना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। महेंद्रन, महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन। इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्रन है। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इट वॉज अ रियल नेम, ये एक असली नाम था, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, किसी प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। वास्तव में उसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई था, MP पुनई फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। यदि तुम चाहो तो इसे शॉर्ट में MP पुनई कह सकती हो। हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वे एक अच्छी नस्ल का विलाव है। जस्ट लुक एट हिज फर, इसके मुलायम बालों की तरफ देखो, लाइक अ लायंस मेन, शेर के लंबे बालों की तरह हैं। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशियंट, और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं के लक्षणों की तरह है ये, प्रतीकों की तरह है, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, उसने मृदु की तरफ आशा की दृष्टि से देखा। मृदु गिगल्ड, मृदु खिलखिला करके हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, तो क्या सोचती हो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल ठीक है, जस्ट वेट, थोड़ा रुको, आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह बात तो साफ है कि तुम्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो। हैव यू, क्या गई हो। ही सेड मिस्टीरियसली, उसने रहस्यात्मक तरीके से पूछा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थाथास 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 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट। ठीक है, जब हमारी कक्षा घूमने के लिए महाबलीपुरम गई थी तब मैंने उसके दादा के दादा के दादा आदि आदि एक जो है मूर्ति को देखा था। हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट कैट, सच्चाई यही है, फैक्ट है कि महेंद्रन उसी प्राचीन बिल्ली के वंश से आया है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉइन, वैज्ञानिक तौर पर कह सकते हैं कि शेर का एक नज़दीकी रिश्तेदार। द पल्लव लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव शेर पल्लव साम्राज्य का प्रतीक है। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन हिज आईज स्पार्कलिंग, रवि बोलता चला गया, उसके हाथ में एक टहनी थी जिसे वह ऊपर नीचे करता हुआ कटीली झाड़ी के आसपास टहल रहा था। हिज आईज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, ये बिल्ली का बच्चा महाबलीपुरम की बिल्ली का ही वंशज है और कोई नहीं। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि प्राचीन मिस्र में लोग बिल्ली की पूजा करते थे। हाउ ही लर्न्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वे कैसे अपने आप से ही बतला रहा था। मीना एंड मृदु एक्सचेंज्ड लुक्स, मीना और मृदु ने एक दूसरे की तरफ देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड, इसका किसी से क्या लेना देना, मृदु ने पूछना चाहा। ओह आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गोड, नो गोडेस बास्टेड, या दैट्स इट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बिल्ली का बच्चा मिश्र देश की दैवीय बिल्ली का वंशज है, डिसेंडेंट मतलब वंशज, ठीक है, नहीं नो
गॉडेस देवी, बास्टर्ड शर्त लगा लो, यह हाँ दैट्स इट, यह है ना। सो तो फिर वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप एंड हिज डिसेंडेंट वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट हुज डिसेंडेंट इज रवि फ्लोरिस हिज ट्विग एट महेंद्रन एम्पी पुनई हेयर हु ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। ठीक है, उस देवी बिल्ली का एक वंशज पल्लवों के जहाज में छिप करके आ गया था और उसी के वंशज जो महाबलीपुरम की जो ऋषि बिल्ली है और उसका वंशज रवि ने महेंद्रन की तरफ टहनी करते हुए कहा यहाँ एमपी पुनई है। ही श्रीक्ड वह चीखा वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, वह अपने आप में बहुत खुश था। महेंद्रन लुक अप अलार्म, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट सेल। महेंद्र ने चौकन्ना होकर के ऊपर देखा और वह नारियल के गोले के किनारे से अपने पंजों को पैना कर रहा था। बट वर्स देन रवीज ए फुल होप एक वॉज अ क्रीच, लेकिन रवि की डरावनी होप एक आवाज़ से खराब वह क्रीच की आवाज़ थी फ्रॉम द विंडो, जो विंडो से आ रही थी। वट अ वियर्ड साउंड, कितनी अनोखी आवाज़ थी। इफ मृदु वॉज स्टार्टल्ड एमपी पुने वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज स्वीट्स, ही आर स्टैंडिंग ऑन एंड ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड टुवर्ड्स अ बम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, म्याओ म्याओ ही हॉल्ड मिजरेबली। देखिए यहाँ पर जो खराब आवाज़ आ रही थी खिड़की से, बहुत ही अनोखी आवाज़ आ रही थी, तो इसे जो है मृदु ही वो चक्की रह गई। तो एमपी पुन्ने को तो डरना ही था क्योंकि उसके बाल खड़े हो गए थे और वह अपने पंजों पर उछला और बांस की उस टोकरी की तरफ जल्दी जल्दी भाग गया जिसमें क्या क्या रखा था, जिसमें रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्च सुखाने के लिए बाहर रखी गई थी और इसके नीचे छुपने का वो प्रयास कर रहा था। उसने अपने ऊपर कुछ मिर्चें भी उड़ेल ली जल्दी जल्दी में, क्योंकि जल्दी जल्दी वो भागा गया था अपने आप को छुपाने के लिए इसलिए, और म्याऊं म्याऊं करता है। ही हॉल्ड मिजरेबली, वे कष्ट में गुर्राया। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु। क्रीच की ध्वनि, क्रीच की जो आवाज़ है वो लगातार आ रही थी और ये आवाज़ कैसी है, व्हाट्स दैट नॉइज, ये आवाज़ कैसी है, सैड मृदु, मृदु ने पूछा। दैट्स लली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि। वह लल्ली है जो वायलिन बजाना सीख रही है, रवि ने कर्कश स्वर में कहा। ग्रंटेड मतलब कर्कश आवाज। शी शैल नेवर लर्न अ थिंग्स, द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन व्हाइल लली इज ऑल द टाइम्स ड्रिलिंग गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। वह कभी कुछ नहीं सीख पाएगी, जो म्यूजिक टीचर है वो इस तरह का वायलिन बजा रहा है जैसे कोई रेलगाड़ी सीटी बजा रही, जबकि लल्ली क्या करती है कि पूरे समय पटरी से उतरकर ही चलने का प्रयास कर रही है। अभी हम पार्ट टू करेंगे इसका। मृदु क्रैप्ड अप टू द विंडो, लली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे, अवे कर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बोस्ट्रिंग हर एल्बोज जूटिंग आउट एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन इन फ्रंट ऑफ हर विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो। ही वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। He had a mostly bald hat with a fringe of old black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. देखिए क्रैप्ट मतलब रेंगते हुए, मृदु क्या करता है रेंगते हुए खिड़की के पास गए, यानी कि छुप छुप कर जाते हैं ना बच्चे ऐसे, वो नीचे नीचे झुकता हुआ जैसे जाते हैं इसी तरह से वो खिड़की के पास जाता है। और जो लल्ली थी वो भी सहमी हुई सी वायलिन को पकड़े हुए कुछ दूर बैठी हुई थी और उसकी जो कोहनियाँ हैं एल्बोज आगे की ओर मुड़ी हुई थी और उसकी आँखें एक जगह टिकी हुई थी। उसके सामने लगभग जो है खिड़की की तरफ पीठ की हुई उसका दुबला पतला जो म्यूजिक टीचर है वो बैठा हुआ था। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टप, यानी कि उसका माथा चौड़ा था, उसके सिर पर काले बाल जिसमें ऑयल लगा हुआ था और कानों के ऊपर जो है लटकते हुए बंधे हुए थे। ठीक है, अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लैदरी नेक, गर्दन पर
सोने की जंजीर थी और ये डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी जब चमकती थी जब वह वायलिन पर अपनी उंगलियों को ऊपर नीचे करता। लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बेनेथ हिज गोल्ड बॉडीड वेस्ट इज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। उसकी सुनहरे बॉर्डर वाली धोती के नीचे उसकी एक बड़ी टांग बाहर निकली हुई थी जिसकी बड़ी उंगली को वह जमीन पर हिले के साथ घसीट रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। व्हाट अ डिफरेंस। उसने कुछ धुनें बजाई। लल्ली ऐसा है और नाखुश उसके पीछे वायलिन पकड़े बैठी थी। देखिए व्हाट अ डिफरेंस, कितना अंतर है। द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। यानी कि जो म्यूजिक टीचर है उसकी धुनें कैसे उठती हुई शानदार लग रही थी, जैसे गुप्त स्वर की मधुरता अदृश्य रूप से क्या हो रहा है कि लाइन पर बज रही हो। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड विजिंग अलोन एज रवि सेड। और ये रेलगाड़ी के पहियों की तरह थी जो पटरियों पर बजते हुए चल रहे हों, रवि ने कहा। मृदु स्टेयर एट दैट ह्यूज ब्रिज्ड हैंड मूविंग एफर्टलेसली अप द वॉयलिन स्टेम्स मेकिंग लवली म्यूजिक। मृदु ने बड़े अंगूठी वाले हाथ की तरफ ध्यान से देखा जो वायलिन पर मधुर संगीत बजाते हुए निरर्थक एफर्टलेसली मतलब निरर्थक लग रहा था। स्क्वैक देयर वॉज ललीज ड्रेलिंग अगेन। स्क्वैक लली दोबारा पटरी से उतर रही है। अमा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अमा ओह। अम्मा दरवाजे से एक आवाज़ आई। अम्मा ओह। रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वियर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। रवि इस भिखारी को दूर भगाओ, उसकी माँ पीछे वाले बरामदे से चिल्लाई जहाँ पर वह तापी के साथ बातचीत कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। वह यहाँ पिछले हफ्ते से हर दिन आ रहा है, अब उसे भीख मांगने के लिए दूसरे घर को भी ढूंढ लेना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी। पाती ने तापी को बताया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ्स अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज। While he waited for the arms to appear, go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. मृदु और मीना रवि के साथ बाहर गई। भिखारी पहले से ही बगीचे में था जो घर की तरफ देख रहा था। उसने अपना जो है कोई उसने टावल ले रखा था, कोई कपड़ा ले रखा था, वो नीम के पेड़ के नीचे बिछा रखा था और वो पेड़ के तने के साथ में लेटा हुआ था। इस आस में लेटा हुआ था कि उसे भिक्षा यहाँ पर मिलेगी और जब तक उसकी भिक्षा वहाँ पर आए तब तक वह नींद की एक झपकी ले ले। गो अवे दूर चले जाओ, सेड रवि स्टर्नली। रवि ने कठोरता से कहा। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मेरी पाती कहती है कि अब तुम भीख मांगने के लिए कोई दूसरा घर ढूंढ लो। द बेगर ओपन हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज एट ईच ऑफ द चिल्ड्रंस वन बाय वन। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। भिखारी ने अपनी आंखें खोली और एक एक करके सभी बच्चों की तरफ देखा। इस घर की औरतें उसने कहा कि फिर भरी हुई आवाज़ में बहुत दयालु हैं। आई केप्ट माई बॉडी एंड सोल टूगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। ही रेज्ड हिज वॉइस। यानी कि मैं अपना शरीर और आत्मा एक साथ जो है इनकी दया पर छोड़ रखा है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे मुझे दूर भगाएंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस। अम्मा अम्मा ओह। उसने अपनी आवाज़ को ऊंचा किया। अम्मा अम्मा ओह सैड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टेनली वॉजेंट फीबल। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड वैली एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ बट इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन ड्रॉन विद बिटल चीविंग। अब वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाते कि अम्मा अम्मा ये बहुत ही उदास हो रहा है, दुखी हो रहा है, ठीक है, और ये जो है इसको खाना नहीं मिला है, इसका पेट भूखा है, ठीक है,
और मेरे कुछ दांत बचे हैं जिनसे मैं थोड़ा बहुत चबा लेता हूँ। मैं पूरी तरह से इन्हीं के ऊपर डिपेंड होकर के यहाँ पर बैठा हूँ, एक वीक के लिए तो ज़रूर। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमणी एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंड फेड अप। यानी कि रवि उसे बता दो कि रसोई में कुछ भी नहीं बचा है, रुकमणी ने कहा। उसे बता दो कि वे दोबारा यहाँ ना आए, उसे उसने थकी हुई और दुखी आवाज़ में कहा। रवि डिडेंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर व्हाट इज मदर सैड हैव बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर दिस अंडर द नीम ट्री द बैगर सेट अप एंड साइड। रवि को अपनी माँ का कहा सब कुछ भिखारी को दोबारा न कहना था, जो कुछ उसकी माँ ने कहा था वह केवल उन सब के लिए सुनना आसान था क्योंकि वहाँ पर नीम के पेड़ के नीचे ही वो भिखारी बैठा था। और भिखारी उठा और आह भरी, साइड मतलब आह भरना। आई विल गो ही सेड वेयरली, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री द सन इज सो हॉट द तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। मैं चला जाऊँगा उसने थके स्वर में कहा, मुझे केवल इस पेड़ के नीचे आराम करने दो, सूर्य बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है और जो सड़क पर तारकोल बिछा हुआ है वो भी पिघल गया है। माई फिट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, ही स्ट्रेसेस आउट हिज फिट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल ऑफ हिज बियर फिट। मेरे पैरों में फफोले पड़े हुए हैं और उसने अपने पैरों के तलवों पर गुलाबी फफोले दिखाने के लिए अपने पैर फैलाए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना, रवि हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। मेरे विचार से उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, मृदु ने रवि और मीना को चुपके से कहा। क्या घर में कोई पुराना जोड़ा चप्पल पड़ा है? आई डोंट नो सेड रवि। रवि ने कहा कि मुझे नहीं पता, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फिट और आई हैव गिवन देम टू हिम एंड हिज फिट वो लार्जर देन मृदुस एंड मीनाज। मैं नहीं जानता रवि ने कहा, मेरी चप्पलें तो इतनी छोटी हैं कि शायद ही उसके पैरों में आए और फिर मैंने वे उसे दे दी होती। उसके पैर मीना और मृदु के पैरों से बड़े थे। द बेगर्स वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ्स एंड टाइटनिंग हिज धोती, ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। भिखारी अपना जो है टावल झाड़ रहा था और अपनी धोती को कस रहा था, फिर उसने क्या किया कि नज़रें उठा करके भयभीत होकर सड़क की तरफ देखा। दोपहर की गर्मी में वो चमक रही थी। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फिट, मीना सैड हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। उसके पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए, मीना ने कहा, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मीना ने कहा कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें भर आई, यह उचित नहीं है सेड रवि। रवि ने इशारा किया मीना की तरफ। आई एम थिंकिंग अबाउट इट ब्लबरिंग, मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूँ। इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प, रोते हुए, ये ठीक नहीं है इजंट गोइंग टू हेल्प, वो सहायता करने नहीं जा रही। इन टू मिनट्स ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड, व्हाट्स ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट देम, कम लेट्स सर्च द हाउस, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस। अगले ही पल क्या हुआ कि वह सड़क पर अपने पैरों को तपा रहा होगा और उसे एक जोड़ी चप्पलों की जरूरत है, तो हम कहाँ से लेकर आए? कम लेट्स सर्च इन द हाउस, आओ घर में ढूंढते हैं, ही पुश्ड मृदु एंड मीना इन टू द हाउस। उसने मृदु और मीना को अंदर खींच लिया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" जैसे ही मृदु ने बरामदे में कदम रखा, उसकी नज़रें अजीब सी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी जो उसने तब देखी थी जब वह आई थी। रवि, उसने उसे कान में कहा, ये चप्पलें किसकी हैं? रवि turned and glanced at the shabby-looking but sturdily old slippers, he beamed and nodded. These are just the right size, he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. Ravi मुड़ा और उसकी जो नज़र है वो पुरानी दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी। उसने दृष्टि डाली और
हाँ कर दिया, ये सही साइज़ की हैं, उसके पैरों में सही आएंगी। और उनको ऊपर उठाते हुए उसने कहा कि ये चप्पलें उनके साइज़ की हैं। मृदु और मीना उसके पीछे पीछे घबराए हुए बगीचे में चले गए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।